इमरान खान की एशियाई माशूकाओं जैसी हजार शेबा सियासत की गुत्थियां सुलझाने बैठे तो दिमाग की नसें चटकने लगती हैं इन दिनों इनकी शोला बार खिताबत ने नवंबर में होने वाली एक तकररी के हवाले से अलाव भड़का रखा है गुजश्ता माह पंद्रह अगस्त को इन्होंने अपने मारूफ खुरदरे इसलूब से हटकर कमाल मतानत और संजीदगी से नए आर्मी चीफ की तकर्री पर अपना मौकफ पेश करते हुए कहा मेरा तो अब इसमें कोई इशू नहीं ये तो अभी गवर्नमेंट फैसला करेगी जो बैठी हुई है मेजबान ने कुरेदा ये वाली गवर्नमेंट इस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे क्या खान साहब ने अपने मौकफ पर कायम रहते हुए कहा मैं नहीं जानता कि ये हुकूमत होगी या नहीं होगी या इलेक्शन के बाद कोई नई हुकूमत आ जाएगी अभी ये इशू नहीं है हमारा इस बयान की गूंज फिजा में दायरे बुन रही थी कि खान साहब की सीमावी सोच ने यकायक पहलू बदला और इन्होंने नवंबर की तकर्री को अपने लिए जिंदगी और मौत का मसला बना लिया गुजस्तर पिछहत्तर बरस में हालात की तलखोशीरी करवटों के बावजूद फौज के सरबरा की तकररी कभी इस तरह मोताए कूचा बाजार नहीं बनी जिस तरह खान साहब ने बना डाली है अजब अच्छा भेद है कि खान साहब के बकौल चंद दिन पहले तक जो काम उनका नहीं था वो आने वाहिद में कैसेन के आसाब पर सवार हो गया अब तो यूं लगता है कि इन्होंने अपने पैकर खाकी की सारी तोानाइयां इसी मुहिम पर मरकूज कर दी है एक फरसूदा से मुहावरे के मुताबिक अपनी सियासत के सारे अंडे एक ही टोकरी में रख लिए हैं जनरल अयूब खान से जनरल कमर जावेद बाजवा तक हमारे यहां इस अहम तकरी के हवाले से हर नवा की सबसे सीनियर भी कम हम पल्ला भी भी और कई दर्जे जूनियर कभी कोई रोल नहीं पड़ा सकूते ढाका के बाद जुल्फकारो नेुल हसन को फोर स्टार जनरल बनाए बगैर कमांडर इन चीफ मुकर तो भुट्टो के हरीफों ने कोई इख्तलाफी आवाज ना उठाई लगभग तीन माह बाद गुल हसन को फारिग करके जनरल टिक्का खान को फौज का सरबरा बना दिया गया वो पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाए हाहाकार ना मची मार्च में सौ लिस्ट में के हक को आर्मी चीफ तैनात की, की तरह खड़ी थी लेकिन किसी ने तक नरमीम के तहत अफवाज के सरबराहों की तकरी का इख्तियारजम की मुशावरत के साथ सदर मुमलिकत को दे दिया गया उन्नीस में आसिफ नवाजुआ और उन्नीस में अब्दुल वहीद काकड़ का इंतजाम सदर गुलाम निसाक खान ने किया दोनों बार वजीर आजम नवाज शरीफ की तजवीज करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए यही नहीं गुलाम खान ने आसिफ नवाज और काकड़ दोनों के कानों में फूंक दिया कि वजीर ने तुम्हारी मुखालफत की थी तीस बरस होने को आए आज तक नवाज शरीफ ने इसके सह पारीना की पोटली नहीं खोली तहरीके इंसाफ के छब्बीस साल सफर के दौरान इमरान खान ने भी कभी आर्मी चीफ की तकररी को सुहाने रूह नहीं बनाया दो हजार तेरह में इंत के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सींगो में पिरो लिया इसे धांधली की पैदावार नाजायज हुकूमत कहा कई कई माह के फितना सामा धरने दिए हुकूमत के कदम जमने लगे तो अप्रैल दो में पैनामा ने अंगड़ाई ली खान साहब के सूखे धानों पर छाजों पानी बरसा धरनों की एक नई लहर उठी अक्टूबर 2016 में डॉन लीग ने इनके लहू में चिंगारियां भर दी कब पैनामा की फसल भी पक चुकी थी खान साहब के ख्वाबों में ताबीर की शफक भरने लगी और आखिर अक्टूबर में उन्होंने इस्लामाबाद की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया यकम नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीग्स की बाकायदा समाज शुरू हो गई इसी माह नवंबर की उनतीस तारीख को वजीर ने नए आर्मी चीफ की तकरी करना थी तब इमरान खान अपनी मखसूस दबाए हंगामा जो के आसानी एक सुनामी बर्पा कर सकते थे रिस्क भी साबित कर दिया है क्यूँ भी वो दाँधली करके इकतदार में आया है ऐसे शख्स को कैसे फौज के सरबरा की तकर्री का इख्तियार दिया जा सकता है ये इदारे की तोहिन है वगैरह वगैरह लेकिन कोई मासूम सा हरफ नारोला बार जबान पर ना आया ना तकरी से पहले ना तकरी के बाद खान साहब का ताजा तरीन नुकता एतराज ये है कि मौजूदा हुकूमत इंपोर्टेड है बाइडन मीर जाफरों और मीर सादिकों की कायम करदा है हक़ कुछ और कहते हैं 25 जुलाई 2018 को कौमी सतह पर हुए सरे शाम वोटों की गिनती शुरू हुई शब के नौ बजे तरसी नतयज के निजाम की डूब गई नजर रखने वाले मोतबर इधारेफिन की रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की जानब से जारी किए पिचानवे फीसदी फाइव पोलिंग एजेंट सियासी जमातों के नुमाइंदों के दस्तखतों से आ रही थे इस मश नाज के बावजूद तहरीके इंसाफ एक करोड़ उनहत्तर लाख तीन हजार सात सौ दो यानी इकतीस अशारिया आठ दो फीसद वोट हासिल कर पाई पोल होने वाले बाकी तीन करोड़ बासठ लाख दो हजार तीन यानी अड़सठ अशार्य एक आठ फीसद वोट खान साहब के उन मुखालिफिन ने हासिल किए जो तकरीबन सबके सब आज की मखलूत हुकूमत का हिस्सा है अगर सिर्फ चोरों यानी मुस्लिम लीग नून के एक करोड़ उनतीस लाख चौतीस हजार पांच सौ नवासी यानी चौबीस आशारिया तीन पांच फीसद और डाकुओं यानी पीपल्स पार्टी के उनहत्तर लाख चौबीस हजार तीन सौ छप्पन यानी तेरह आशार्य सफर तीन फीसद वोटों को शुमार कर लिया जाए तो ये एक करोड़ अट्ठानवे लाख अट्ठावन हजार नौ सौ पैंतालीस यानी सैंतीस आशार्य चार सिफर फीसद यानी पीटीआई से पांच आशार्य पांच फीसद ज्यादा है सवाल नहाय सादाओ मासूम है कि इकतीस अशारिया आठ दो फीसद लेने वाला अपोजिशन लीडर तकरीबन अड़सठ वाली हुकूमत पर यह धोन्स कैसे जमा सकता है कि आर्मी चीफ तुम नहीं मैं लगाऊंगा यह हुकूमत किसी मुसल्ह या गैर मुसलह इनकलाब के जरिए नहीं आइन में दर्ज एक वाज दस्तूरअमल के तहत वजूद में आई है खान साहब के किसी खाना साज तस्वर साजिश या इम्पोर्टेड की गाली की बुनियाद पर वजीरजम का आईनी इस्तेकाम खान साहब की तिफलाना जिद की नज़र कैसे किया जा सकता है अगर कोई एक इनके दिल में तीरे नीम कश की तरह तराजू है और कोई दूसरा लालाओ गुल की तरह महक रहा है तो सिर्फ खान साहब की दिलदारी के लिए आइन और फौज को तो तमाशा नहीं बनाया जा सकता